ने जिस तरह की बैटिंग की है और कप्तान रोहित शर्मा मेरी आंखों के सामने बैठा हुआ है, मतलब बंदे ने बताया कि पिच गई बाढ़ में, मैंने अपनी उसी अग्रेसिवनेस के साथ बैटिंग करनी है। इयान मॉर्गन इंग्लैंड का कप्तान, इंग्लैंड को वर्ल्ड कप जिताने वाला कप्तान मॉर्गन कमेंट्री में बैठ गई है, बात कर रहा है कि इंडिया ने जिस तरह की बैटिंग की है इस पिच के ऊपर, सल्यूट है इंडिया को। एक ट्रिकी पिच, एक ऐसी पिच जिस पिच के ऊपर अनइवन बाउंस है, बहुत अहम है। जडेजा, अक्षर पटेल सब कुछ कर सकते हैं, और रोल बहुत है। जो हार्दिक पांड्या ने हार्ड हिटिंग की, जो एंड में रविंद्र जडेजा ने चौके मारे, और उससे पहले जो रोहित शर्मा ने किया वो तो कमाल था, और उसके बाद आप सूर्या ने जिस तरह बजाओ घर जाओ अपने, मतलब आप अंदाजा लगाओ के भाईजान जो इंग्लैंड की बॉलिंग थी, आप देख लो इंग्लैंड की बॉलिंग में जो उनका मेन बॉलर है, डेथ बॉलर है उनका, वो जो अगर मैं आपको बताऊं क्रिस जॉर्डन को जो पकड़ के बजाया है, क्रिस जॉर्डन का जो पकड़ के घंटा बजाया है, मतलब आप अंदाजा लगाओ जिस तरह की बैटिंग किया वैसा, जिस तरह की बैटिंग वो अक्षर पटेल और वो जडेजा कर गया, हमारे वो घंटे के किंग वो बाबरा और वो रिजवाना भी इस तरह की बैटिंग नहीं करते, तो आप परेशान क्यों बैठे हो इंडिया भाई। और फिर जब बैटिंग के लिए हार्दिक पांड्या आए, तो पांड्या तो भाई साहब आज जो अब हाथ में बैट नहीं बल्कि हाथ में तोप लेके आए हुए थे, तोप से जैसे बंदा किसी को उड़ाता है ना, ऐसे हार्दिक पांड्या ने आज बॉल को उड़ा के रख दिया है। ये एक ऐसा टारगेट इंडिया ने दे दिया है ना, जो इंडिया आराम के साथ जो है वो डिफेंड कर सकता है। अगर आपको ये लगता है कि टारगेट छोटा है तो आपको गलत लग रहा है, क्योंकि ये जो पिच है ना ये एक मुश्किल तरीन पिच है, इसके ऊपर वहां पे रोक लिया। फिर जैसे इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बॉलिंग की, इंडिया की बॉलिंग इस पूरे वर्ल्ड कप में अगर आप स्टैंड आउट बॉलिंग बात करो तो वो रही है। इंडिया के बैट्समैनों ने अब अपना काम कर दिया है, रोहित ने एक बार फिर प्रूफ किया वो कप्तान है, और फ्रंट से लीड कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे कप्तान बाबर के लिए भी उन्होंने सीख छोड़ी है कि कैसे बैटिंग की जाती है, किस तरह से खेला जाता है। लेकिन अली इस टाइम सीधी सी बात है, सीधा सा सिनेरियो है, इंडिया की बॉलिंग बिलखसूस स्पिन बॉलिंग जसप्रीत और वो कमाल की जवाब एक छक्का लगा दिया। अब ये छक्का अक्षर पटेल का और दो चौके जो जडेजा के हैं ना, ये यकीन माने इंडिया को बहुत हेल्प देने वाले, और आखिर में आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये जो आखिर में दो चार हिटें लगी है ना, ये कितनी ज्यादा इंडिया के लिए जरूरी थी इस मैच में, और इंग्लैंड वालों के हाथ पांव सूज गए। मैं नहीं कह रहा कि इंग्लैंड हार जाएगा और इंडिया जीत जाएगा, क्रिकेट है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक मुश्किल पिच थी और स्पिनर्स को बहुत ज्यादा यहाँ पर जो है हेल्प मिल रही है, ठीक है, बॉल नीचे रह रहा है, तो इंग्लैंड के लिए बैटिंग करना इंडिया से ज्यादा मुश्किल होने वाला है, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। और अब देखना यह कि क्या इंग्लैंड जो है इस पिच के ऊपर इंडिया, तो जैसे कि आप जानते हैं कि भारत जो सेमीफाइनल का जो मैच था वो इंग्लैंड को हरा दिया दोस्तों, बहुत बुरी तरीके से। इंग्लैंड की टीम 103 रन पर आउट हो गई, और दोस्तों मात्र 100 रन ही बना पाई इंग्लैंड की टीम। अब दोस्तों भारत फाइनल पहुंच गया और पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हो गई, और दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया रो रहा है बैठ बैठ के कि भारत की टीम कैसे पहुँच गई फाइनल में। और दोस्तों भारत का मुकाबला 29 तारीख को साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। दोस्तों क्या जबरदस्त बॉलिंग करी कुलदीप यादव और अक्षर पटेल ने, दोस्तों दोनों ने 3-3 विकेट चटकाए और टीम की कमर तोड़ के रख दी इंग्लैंड वालों की। अब दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है कि भाई ये क्या बल्लेबाजी करी रोहित शर्मा ने, हार्दिक पांड्या ने और सूर्य कुमार यादव ने। दोस्तों बिल्कुल यार कोई बनता ही नहीं इनके सामने कुछ इस तरीके की दोस्तों ने पारी खेली। और दोस्तों दूसरी तरफ जो बात निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि पाकिस्तान का मीडिया दोस्तों पाकिस्तान में हाहाकार मच गया है भारत के फाइनल पहुंचने से, और पाकिस्तान का मीडिया बोल रहा है भाई वर्ल्ड कप तो बलगता है भारत का ही है और हमें पूरी उम्मीद है कि भारत ही इस वर्ल्ड कप को ले जाएगा। तो दोस्तों ये सब पाकिस्तान के मीडिया में चल रहा है, और पाकिस्तान का मीडिया भाई बड़ी रोहित शर्मा की तारीफ भी कर रहा है कि भाई क्या सेल्फ बिल्कुल सेल्फलेस पारी खेलते हैं, देश के लिए खेलते हैं, बिल्कुल अधाधुन बल्ला चलाते हैं। तो दोस्तों रिएक्शन देख लेते हैं पाकिस्तान के मीडिया का आगे वीडियो में क्या रहा है। ऊपर ना गोरे नहीं खेल पाते, गोरे स्लो पिचू पे खेलने के आदि होते ही नहीं है, गोरे कभी आज तक स्लो पिचिस पे खेल ही नहीं सके, तो गोरे इस पिच पे आकर छनकना कर लेंगे। जसप्रीत बुमराह को यार मेरी बात सुनो, अब बुमराह ने तो बैटिंग विकेट के ऊपर आगे बजाई हुई है जो है वो बॉल बैटिंग विकेट के ऊपर आगे वैसा वो उस दिन ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में बैटिंग विकेट थी, ऑस्ट्रेलिया वाले मैच में बैटिंग विकेट थी, उसने उधर पकड़ के बजा दिया था। वो जिस तरह ट्रैवल हेड को जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने आउट किया वो कोई हालाजी का बड़ा वो छोटी बात है यार। बुमराह की मैं बात करूंगा, इधर आप किसी बच्चे से पूछ रहे हैं बुमराह कौन है तो वो आपको बताएगा बुमराह कौन है। बुमराह कोई छोटा मोटा बॉलर नहीं है। ये पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ ये क्यों बात हो रही है कि इंडिया चौक आ गया, फिर ये क्या चबल मार सर इधर ये इस तरह की बातें होती रहेंगी। मैंने
मुझे कॉन्फिडेंस है इंडिया जीत रहा है, कप एशिया में रहेगा, मुझे कॉन्फिडेंस है इंडिया जीत रहा है। ये जो इधर बातें हो रही हैं उनको होने दें। ये जो अभी आप इंडिया के कुछ मेरे भाई सोशल मीडिया देख के अपने आप को जो है वो डाउन फील कर रहे हो ना, ये पाकिस्तानी कुछ घंटे के आपको डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं कि यार वो जी इंडिया बुरा खेल गया, ये खेल गया। यार मैं दिल से ये बात कर रहा हूँ, रोहित शर्मा ने जितना की आज बैटिंग की है ना, कसम ले लो इस पिच पे इस तरह की बैटिंग कोई बंदा नहीं था कर सकता इस पिच पे। आप इंडिया आपको लड़ता नजर आएगा ग्राउंड में, इंडिया आपको लड़ता नजर आएगा इस ग्राउंड में, आराम से इंडिया मैच नहीं देगा। जसप्रीत बुमराह की जरा आज बॉलिंग देखना आप, बुमराह ना बुमराह, वसीम अकरम को तो बॉलर मानते हो ना, मानते हैं भाई। वसीम अकरम ने ऐसा बोला हुआ है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट बॉलर है। हर बॉलर होता है इवेंट फॉर्मेट वाइज इफेक्टिव है जी, स्टार के जी रेड बॉल में इफेक्टिव है, वो जी वो इस बॉल में इफेक्टिव है, जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में इफेक्टिव है। ऐसा सिनेरियो है इंडिया की बॉलिंग बिलखसूस स्पिन बॉलिंग, जसप्रीत और अशदीप और कुलदीप ये तीन वो बॉलर है जिन्होंने आज अब भारत की इज्जत बचानी है। और जो इंडिया 2022 में हार गया था इसी इंग्लैंड से, उसी सेमीफाइनल में वहीं पर आ गया, ऐसा लग रहा है कि इंडिया को तारीख ने एक बार फिर मौका दे दिया। और सबसे बड़ा जो इसके अंदर गेम चेंजर इस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट में मौजूद है वो इस टीम के अंदर बटलर है। बटलर का विकेट जो है वो जितना अर्ली लेना होगा, सॉल्ट है वो, सॉल्ट इंडिया के अगेंस्ट अक्सर आउट ही हो जाता है, इतना नहीं हैवी जाता, लेकिन बटलर एक बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा। अगर बटलर जो है वो डीप गया, 10 ओवर बटलर ने गुजार दिए, तो फिर समझिएगा कि इंडिया के लिए बहुत मुश्किलात होगी। नहीं चीजें अगर आप देखो तो इंडिया को विकेटें अर्ली चाहिए होंगी और शुरू में इंग्लैंड को रोकना है, क्योंकि अगर आप शुरू में विकेटें लोगे तो आप बात आपकी बनेगी। लेकिन इस टाइम अच्छी सिचुएशन यह है कि इंडिया ने एक अच्छा टोटल बोर्ड में लगा दिया, विकेट बहुत बारिश के बाद जब आए तो विकेट में बहुत तब्दीली नजर आई है, शायद से धूप भी निकल आई थी, कंडीशन बड़ी डिफरेंट हो गई थी। लेकिन फास्ट बॉलर्स के लिए हमने देखा कि बिल्कुल कुछ नहीं था, इंग्लैंड के जो फास्ट बॉलर थे उनको ठीक ठाक मार पड़ रही थी, लेकिन उनके इतने फास्ट बॉलर क्वालिटी भी नहीं है। जो सैम कुरन है वो भी गुजारा ही कर रहे हैं, जो आपके ये भी वापस आए हैं जोफ्रा भी बहुत मार खाते हैं। सिर्फ इनके अंदर एक ही बॉलर है जिसने वो विराट कोहली की विकेट ली है, टोपले इनके अंदर जो है वो अच्छी बॉल करता है, बाकी सब नॉर्मल बॉलर्स हैं, इतने कोई खास बॉलर्स नहीं। देखो अब बात यह है कि अब इंडिया ने अब रन्स तो इतना लगा दिया, बॉलिंग इंडिया की इस वर्ल्ड कप में मैं बार बार कह रहा था कि बहुत अच्छी रही है, बहुत अच्छी बॉलिंग रही है, और अब कहीं ना कहीं इंडिया की बॉलिंग के ऊपर सख्त इम्तिहान है। बैटिंग में वही बात कर रहा था कि बैटिंग अगर आप इंडिया की अच्छी बोलते तो शायद बैटिंग बाकियों की भी बहुत अच्छी है, जो अगर आप टॉप 8 टीम सुपर 8 में गई हैं उनमें से शायद से 4 टीमों की बैटिंग इंडिया की तरह ही होगी, अच्छी होगी। लेकिन जो इंडिया की बॉलिंग है ना अली, वो इस पूरे वर्ल्ड कप में 20 की 20 टीमों के पास आपको नजर नहीं आती, वो इकलौती इंडियन टीम है। बिलखसूस बुमराह और कुलदीप वो एक ऐसे बॉलर है, एक ऐसे स्पेशलिस्ट बॉलर है जो आपको लगता है कि वो जनरेशन में एक बार आते हैं। तो अब कहीं ना कहीं दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, दोस्तों पाकिस्तान का मीडिया दोस्तों रो रो के बुरा हाल हुआ पड़ा है। मतलब यार इस तरीके की इनकी बेइज्जती मार के रख दी है, इनकी ऐसी की तैसी मार के रख दी है कि भाई इंग्लैंड वाले की हालत ख़राब हो गई है। अब दोस्तों उनकी नाक कट गई, जो पिछली बार का बदला था वो दोस्तों बदला पूरा ले लिया है और इंग्लैंड को बोरिया बिस्तर बांध के इन्हें बाहर कर दिया। दोस्तों बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे मैच शुरू होने से पहले, जोस बटलर पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बहुत बड़ी बड़ी तारीफ हो रही थी यार, दोस्तों इस तरीके से दबोचा है कि ये याद रखेंगे। और दोस्तों दूसरी बात जो सबसे बड़ी बात जो निकल गई है वो ये आई है कि भारत जो फाइनल में पहुंच चुका है दोस्तों, फाइनल खेला जाएगा 29 को। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो लगा अच्छा लगा था वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल।